हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। एमक्यूएम के यौमे शोहदा पर लंदन के कारकुनान की आमद, महासरा तोड़कर यादगार शोहदा पहुंचने की कोशिश पर पुलिस का लाठी चार्ज, मुतादित कारकुनान को हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया गया। लियाकत अली खान चौक के अतराफ कारोबारी मराकज और ट्रैफिक 8 घंटे बाद बहाल। मुत्तहिदा पाकिस्तान का लंदन वालों पर तशद्दुद और गिरफ्तारी पर इजहार अफसोस, फारूक सत्तार बोले जहां भी जुल्मो नाइंसाफी होगी आवाज उठाएंगे। कारकुन ये तय कर लें तशद्दुद और तसादुम के रास्ते पर नहीं जाना। एमक्यूएम के यौमे शहदा पर दुआया तकरीब। जाफिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम खावर बरनी के जिस्मानी रिमांड में 11 दिसंबर तक तौसी, मुलजिम की शनाख्ती परेड न कराने पर मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर दिया गया। हैदराबाद में खातून सायरा की पुरस्कार मौत का मामला हल ना हो सका, पुलिस ने सायरा नसीर की बेटी की मदयियत में मुकदमा दर्ज कर लिया। आजकल बहुत से इत्तेहाद हो रहे हैं, जितने भी अलायंस बना लिए जाएं, 0+0=0 ही होगा। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद, बोले हुकूमत मुद्दत भी पूरी करेगी और आइंदा हुकूमत भी नून लीग की होगी। वजीर आला पंजाब के भी मुखालफीन पर ताबड़तोड़ हमले, आसिफ जरदारी पर कड़ी तनकीद, कहा जिसने रेंटल पावर प्रोजेक्ट में कौम का पैसा लूटा कोई है जो उसका एहतसाब करे। नंदीपुर रेंटल पावर मंसूबे पड़े पड़े सड़ गए, उसकी तहकीकात कौन करेगा। जो 9/11 के बाद कबायली इलाके के लोगों से हुआ, मैं समझता हूँ कि उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। तो सिर्फ अमेरिका के कहने पे हमने ये किया, और जब भी इस मुल्क की तारीख लिखी जाएगी और ये हम पीछे देखेंगे, ये बहुत बड़ा हमने जुर्म किया। पख्तूनख्वा में फाटा 2 दिन में जम ना हुआ तो एहतजाज होगा, कप्तान फिर से सड़कों पर निकलने को तैयार, कहा अगर अभी जम ना हुआ तो 2023 तक नहीं हो सकेगा, अगर अंग्रेज की तारीख पढ़ लेते तो कभी फौज ना भेजते। जस्टिस पाक के नजफी कमीशन की रिपोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब को वाजे तौर पे कातिल डिक्लेयर कर दिया। मौजूदा हुकूमत गिराने के लिए ओपोजिशन एक, मुस्लिम लीग नवाज के गिर्द सियासी घेरा तंग, पीपल्स पार्टी समेत हिजबे इख्तलाफ की बड़ी जमातें ताहिरुल कादरी के शाना बशाना, मॉडल टाउन केस में शहबाज शरीफ के लिए भी मुश्किलात पैदा करने की तैयारी। क्या करना है कैसे करना है, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए आइंदा का लाहे अमल क्या होगा। मुस्तफा कमाल, शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन कादरी कैंप पहुंच गए, आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। चौधरी बिरादरान भी कल अपने सियासी लाहे अमल पर ताहिरुल कादरी से मुशावरत करेंगे। पसे पर्दा हाथ इलेक्शन की मॉनिटर भी करते हैं और वोट भी तब्दील कराते हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़ईन कादरी की आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में मुखालफीन पर तनकीद, जमहूरियत नवाज शरीफ का नाम नहीं, सेनेटर सईद गनी भी बरस पड़े। सियासी मुखालिफ ये समझते हैं कि हमें गिराने के लिए अब उन्हें एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए, मुस्लिम लीग नून आइन की हुक्मरानी और वोट की हुक्मरानी पर यकीन रखती। मुखालफीन के बाउंसर्स पर ख्वाजा साद रफीक का चौका, बोले मुल्क में अब सिर्फ एंटी और प्रो नवाज शरीफ सियासत चल रही है, हम सिविल बलादस्ती और आइन की हुक्मरानी के अज़्म से पीछे नहीं हटेंगे। आइन की हुक्मरानी का मतलब है कि तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहें। ख्वाजा साद रफीक फट पड़े। पाकिस्तान की तरक्की चाहिए तो धरने बंद करना होंगे, टैक्सिला में साबिक वजीर दाखला चौधरी निसार भी बोल पड़े,
कहते हैं कोई खाम ख्याली में ना रहे, पुलिस और एफसी पुरतशद्दुद एहतजाज रोकने की पूरी सलाहियत रखते हैं। फरारी कौमी धारे में वापस, हथियार डाल दिए। मुहिब्बे वतन बलोचों की कौमी धारे में शमूलियत जारी, आईएसपीआर का बयान। भटके हुए बलोचों का वापस आना बड़ी कामयाबी है। मुहिब्बे वतन बलोचों ने गैर मुल्की स्पॉन्सर दहशतगर्दी रद्द कर दी, मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट। मकबूजा बैतुल मकदस को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम करने के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। फलस्तीनियों के एहतजाज पर काबिज इसराइली फौज की फायरिंग और शेलिंग, 3 फलस्तीनी शहीद, 400 से ज्यादा जख्मी। बच्चे हो जाएं तैयार, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे यार। हुकूमत सिंध ने तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया। 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे और खूब करेंगे। सिंध के तमाम तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टी का ऐलान हो गया है, जिसका इतलाक सरकारी और निजी दोनों तालीमी इदारों पर होगा। बड़ी अहम खबर है और बड़ी मजे की खबर है, खासतौर पर बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चा पार्टी खुश हो जाती है छुट्टियों के नाम से। और चूंकि विंटर सीजन आ चुका है, किसी ने घूमने का प्लान किया होगा, किसी ने पिकनिक मनाने का प्लान किया होगा, किसी ने घर पे एंजॉय करने का जो है वो प्लान बना लिया होगा। तो हम आपको बताते चलें कि सैर सपाटे खूब करेंगे अब आप लोग। सिंध के तमाम तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है और इसका इतलाक सरकारी और निजी दोनों तालीमी इदारों पर होगा। मजीद जान लेंगे आज यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलीस ने हमें ज्वाइन किया है। फैजान, 22 दिसंबर से सिंध भर में स्कूल बंद होंगे और 1 जनवरी को खुलेंगे। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानिब से जो है वो सूबे भर में मौसम सरमा की तातीलात का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तहम नोटिफिकेशन के मुताबिक 22 दिसंबर से इन तातीलात का जो है वो आगाज होगा और 22 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक मौसम सरमा की जो तातीलात होंगी वो बरकरार रहेंगी। तहम तमाम तर सरकारी और निजी तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात होंगी। तो इसके बाद 1 जनवरी से जो है वो तमाम तर तालीमी इदारों में तदरीसी अमल दोबारा जो है वो शुरू होगा। जी तो हम आपको बता रहे हैं कि सिंध के तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मौसम सरमा की तातीलात होंगी सिंध भर में और ये तातीलात फकत सरकारी स्कूलों में ही नहीं होंगी बल्कि प्राइवेट स्कूलों में भी होंगी। बहुत शुक्रिया फैजान जलीस आपका। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं मजीद खबरें आपको। तय कराची में कत्ल होने वाले जाफर के केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम खावर बर्नी जस्मानी रिमांड पर 11 दिसंबर तक तौसी कर दी गई है। मकामी अदालत ने खावर की शनाख्ती परेड ना कराने पर मजिस्ट्रेट को नोटिस भी जारी कर दिया है। कराची सीवीओ पर कत्ल होने वाले जाफिर केस की समाअत, मुलजिम खावर के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसी। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने बताया कि खावर की निशानदही पर मजीद कुछ मुलजिमान को गिरफ्तार करना है। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। मुलजिम खावर इससे कबल अपने हाथों जाफिर के कत्ल का इतराफ कर चुका है। कितने लोग थे आपके साथ? मैं और मेरे भाई। आप कबूल करते हैं आपने गलती की है? बस बेदियानी हो गया, टायर में कर रहा था, उसने जब साइड मारी ना, मैं जो पीछे हो उससे वो ताज़ा समाअत में अदालत ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जानिब से खावर की शनाख्ती परेड ना कराने से मुतालिक प्रोसिक्यूटर से भी जवाब तलब कर लिया, जबकि 5 दीगर मुलजिमान की रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इन्हें जेल भेज दिया गया है। अब आपको बताएं कि हैदराबाद में खातून सायरा की पुरइसरार मौत का मोमा हल ना हो सका, पुलिस ने सायरा नसीर की बेटी की मुदैयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। Sa
7 दिसंबर को सायरा नसीर की सोख्ता लाश उनकी गाड़ी से मिली थी। कार मुकम्मल तौर पर जल गई थी। पुलिस ने वाकये का मुकदमा बेटी की मुदियत में दर्ज कर लिया। सायरा नसीर से मुतालिक मालूम हुआ है कि वो मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध शोबा खवातीन की साबिक सदर थी और शोहर से अलहदगी के बाद डिफेंस फेज 2 में एक मुलाजमा के साथ रिहाइश पजीर थी। FIR के मुताबिक खातून के कमरे में खून के निशानात भी पाए गए, जबकि घर से कुछ कीमती सामान भी गायब है। पुलिस के मुताबिक गाड़ी के साथ खातून का मोबाइल और पर्स भी जल गया। पुलिस अभी तक इस मामले की मुकम्मल खोज नहीं लगा सकी। पुलिस ने घर से मिलने वाले एक दूसरे मोबाइल के जरिए कुछ दीगर लोगों समेत घरेलू मुलाजमा को भी शामिल तफ्तीश किया है, जो होसड़ी ही की रिहायशी बताई जाती हैं। कराची में पुलिस ने MQM लंदन के कारकुनों की यादगार शोहदा जाने की कोशिश नाकाम बना दी है और महासरा तोड़कर जाने वालों पर लाठी चार्ज किया। कुछ अफराद को गिरफ्तार भी किया गया, ताहम हिरासत में लिए गए 4 अफराद को तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया गया है, जबकि लियाकत अली खान चौक के अतराफ कारोबारी मराकज और ट्रैफिक भी 8 घंटे बाद बहाल कर दी गई है। यादगार शोहदा जाना महंगा पड़ गया, मुत्तहदा लंदन वालों को पुलिस ने धर लिया। MQM लंदन के कारकुनान नारे लगाते लियाकत अली खान चौक पहुंचे तो पुलिस रास्ते की दीवार बन गई। कारकुनों की यादगार शोहदा जाने की कोशिश नाकाम बना दी। मुत्तहदा लंदन के कारकुनान मुहासरा तोड़कर आगे बढ़े तो पुलिस ने लाठी चार्ज शुरू कर दिया। कई लोग हत्थे चढ़े, 5 खवातीन भी धर ली गयी। यादगार शोहदा जाने की कोशिश तो MQM लंदन वालों ने की और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन सबसे पहले फारूक सत्तार ने गिरफ्तारियों पर अफसोस का इजहार किया। वो कहते हैं कि मुहाजिरों को गुलामी से निजात दिलाएंगे। वो यौम शोहदा पर तकरीब से खिताब कर रहे थे। मॉडल टाउन में जो लोग शहीद हुए हैं उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। जुल्म हुआ था, ना इंसाफी हुई थी, उसका इजाला होना चाहिए। शोहदा के जिस तरह हमने अपने शोहदा की बात की है, तहरीक क़याम में पाकिस्तान के शोहदा की बात की है, हम मॉडल टाउन सानिया के शोहदा को भी जो है वो खराज अकीदत पेश करते हैं और हम समझते हैं कि उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए, उनके लवाइसीन के साथ इंसाफ होना चाहिए और अदल और इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। अगर मेरी इस गुफ्तगू में आप समझते हैं कि ये कोई अलाइंस की तरफ बात जा रही है तो ये देखें, सियासी तौर पर जहाँ जुल्म होगा, नाइंसाफी होगी, उसके खिलाफ हम भी आवाज़ उठाते हैं। बाकी मुझे नहीं मालूम कि कोई सियासी अलायंस बन रहा है, हमसे किसी ने रुजू नहीं किया है। जो कुछ भी यादगार शोहदा पर आज हुआ, हम ये समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये जिद नहीं करनी चाहिए थी कि वो किसी की इजारादारी है या किसी की प्रॉपर्टी है। KMC स्टेडियम ग्राउंड में हमने ये यादगार हमने जो है वो शोहदा यौम शोहदा मनाया था और आज हम बहादुराबाद में यौम शोहदा मना रहे हैं। दूसरी जानिब इमरान खान ने एक बार फिर सड़कों पर आने की धमकी दे दी है। उनका कहना है कि पख्तूनख्वा में फाटा का इंतजाम 2 दिन में ना हुआ तो एहतजाज होगा। वो इस्लामाबाद में फाटा यूथ कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। जो 9/11 के बाद कबायली इलाके के लोगों से हुआ, मैं समझता हूँ कि उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। सिर्फ अमेरिका के कहने पे हमने ये किया, जब भी इस मुल्क की तारीख लिखी जाएगी और ये हम पीछे देखेंगे, ये बहुत बड़ा हमने जुर्म किया। हमें खौफ आता है कि इन्होंने 2018 में आपको पख्तूनख्वा का हिस्सा बनने नहीं देना। जान के डिले किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। इसका ना लेना ना देना कबायली इलाके से, वो भी इसके खिलाफ खड़ा हुआ है। आपको कबायली इलाके के लोगों की फिक्र है या आप अपनी सियासी दुकानें चमकाना चाहते हैं? कई ब्यूरोक्रेट्स आते ही फाटा में पैसा बनने के लिए और ये इसका हल ही सिर्फ ये है कि पख्तूनख्वा का हिस्सा बने। हमने गवर्नमेंट से डिमांड करना है कि 2018 में कबायली इलाके के अंदर मर्ज करे 2018 के इलेक्शन में पख्तूनख्वा और कबायली इलाके के नुमाइंदे पख्तूनख्वा की असेंबली आए, ये करना नहीं चाहते। तो अगर हमने मंडे को देखा कि ये नहीं करेंगे तो आप सब तैयार हो गए। तरीके इंसाफ वालों को तो सड़कों पे आने की बड़ी प्रैक्टिस है ही पहले। एक तरफ ओपोजिशन जमाते हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए जोर मार रही हैं, जबकि दूसरी तरफ नून लीग के वुजरा की जानिब से भरपूर दिफा किया जा रहा है। मतवाले रहनुमा कहते हैं कि कुछ भी कर ले, अगली हुकूमत भी नून लीग की होगी। जस्टिस बाकिर नजफी कमीशन की रिपोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब को वाजे तौर पे कातिल डिक्लेयर कर दिया।
हम इनके साथ स्ट्रगल करेंगे, सड़कों पे निकलेंगे। ताहिरुल कादरी जब भी वो निकलेंगे सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए हम उनके साथ होंगे। सारी जमातें एक तरफ, नून लीग एक तरफ, हिज़्ब इख्तिलाफ को जवाब देने लीगी वुज़रा डट गए। अलायंसेस वाले 0+0=0 ही होता है, वो एक नहीं बन सकता। ये कौम एहतसाब करेगी इंशाल्लाह एक दिन, हमें गिराने के लिए शैतान से भी इताअत कर लेंगे। वज़ीर आज़म फ्रंट फुट पर आ गए, कहते हैं जितने अलायंस बना लिए जाए अगली हुकूमत लीगी होगी। कोई अलायंसेस बना रहा है तो अलायंसेस वाले 0+0=0 ही होता है, वो एक नहीं बन सकता। अलायंसेस की जरूरत नहीं है, हुकूमत जून में मुद्दत पूरी करेगी, उसके बाद इलेक्शन होंगे और पाकिस्तान की आवाम फैसला करेंगे। सानेहा मॉडल टाउन पर सख्त तनकीद झेलने वाले खादिमे आला का भी जवाब निराला, कहा सब का एहतसाब आवाम करेंगे। जरदारी साहब सुन ले मेरी बात, ये कौम एहतसाब करेगी इंशाल्लाह एक दिन। अगर एहतसाब अगर अदालत ने ना किया, अगर एहतसाब नैब ने ना किया, तो फिर अवाम की अदालत जो है वो एहतसाब करेगी। ओपोजिशन की मुलाकातों पर साद रफीक भी आग बगुला, बोले हमारे पास भी इत्तेहादी हैं। हमारे सियासी मुखालिफ ये समझते हैं कि हमें गिराने के लिए अपने एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए, और हमारे बाद सियासी मुखालिफ ऐसे हैं जिन्हें अगर शैतान से भी इत्तेहाद करना पड़े तो वो हमें गिराने के लिए शैतान से भी इत्तेहाद कर लेंगे। नवाज शरीफ के जानिसार चौधरी निसार भी चुप न रहे, कहते हैं धरना सियासत बंद की जाए। अगर इस मुल्क ने आगे बढ़ना है तो धरनों का बाप बंद करना होगा। ये नहीं हो सकता कि जब मुझे सूट करे तो मैं धरने को सपोर्ट करूँ, जब मुझे सूट न करे तो मैं धरने की मुखालफत करूँ। लीगी रहनुमाओं और हुकूमती वुज़रा का कहना है कि धरनों से हमेशा मईशत का नुकसान होता है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी मुखालफीन पर बरस पड़े और बोले कि आसिफ जरदारी ने रेंटल पावर प्रोजेक्ट में कौम का पैसा लूटा, अगर अदालत और नैब ने जरदारी का एहतसाब ना किया तो आवाम एहतसाब करेंगे। उन्होंने ये बात झंग में LNG पावर प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कही। नंदीपुर जहाँ पर डाका जमी हुई, 3 साल वो मनसूबा कराची की बंदरगाह पर वो दफन रहा, नंदीपुर 4 साल कराची में सोया रहा। कौन है इस मुल्क में जो नंदीपुर की तहकीक करेगा? 50 अरब रुपए का मंसूबा और बगैर टेंडरिंग के उसको अवार्ड कर दिया गया। इससे बड़ा कोई स्कैंडल या करप्शन का मीनार कोई और हो सकता है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया बगैर टेंडरिंग के। आप फिर बात करते हैं कि करप्शन का मुहासबा होगा, आप बात करते हैं कि एहतसाब होगा। रेंटल पावर प्रोजेक्ट जरदारी साहब सदर थे, क्या उसके ऊपर नोटिस लिया गया? अरबों रुपए खाए गए, उसके ऊपर क्या नोटिस लिया गया? नंदीपुर का जो बेड़ा गर्क हुआ उसका ये बाबर अवान उसका जिम्मेदार है, अपना जरदारी साहब सदर थे। किसने पूछा, किसने एहतसाब किया, किसने सवाल किया? जरदारी साहब सुन ले मेरी बात, ये कौम एहतसाब करेगी इंशाल्लाह एक दिन। अगर एहतसाब अगर अदालत ने ना किया, अगर एहतसाब नैब ने ना किया, तो फिर अवाम की अदालत जो है वो एहतसाब करेगी। तो मियां शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी के एहतसाब की बात कर रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब उनके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। पूरी ऑपोजिशन हुकूमत को घेरने को तैयार है, बड़े बड़े रहनुमा बन गए हैं ताहिरुल कादरी के हमनवा। वज़ीर आला पंजाब शदीद मुश्किलात में आ चुके हैं। जस्टिस बाग के नजफी कमीशन की रिपोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब को वाजे तौर पे कातिल डिक्लेयर कर दिया। नून लीग की हुकूमत के गिर्द घेरा तंग, नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ भी निशाने पर। अपोजिशन ने सानेहा मॉडल टाउन को नया तुर्ब का पत्ता बना लिया। जरदारी के बाद मुस्तफा कमाल की भी कादरी के दरबार में हाजिरी, कप्तान भी पूरा जोर लगाने के लिए तैयार। जब भी वो निकलेंगे सड़कों के ऊपर हम उनके साथ होंगे, हम इनके साथ स्ट्रगल करेंगे, सड़कों पे निकलेंगे। नून लीग की हुकूमत के खिलाफ ताहिरुल कादरी हिज्ब इख्तिलाफ की सियासत का महवर बन गए। दो रोज कबल आसिफ जरदारी ने मुलाकात की,
और कादरी से मिलकर नून लीग के खिलाफ सड़कों पर आने की धमकी दे डाली। Enough is enough. Nawaz Sharif's brother Shahbaz also has to resign and come in front of the court. कप्तान भी नया सियासी मैच कादरी ग्राउंड पर खेलने के लिए तैयार हैं। कहते हैं एक धरना और सही। तारुल कादरी साहब और पैट को हम ये पूरा इत्माद दिलवाना चाहते हैं कि जब भी वो निकलेंगे सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए हम उनके साथ होंगे। और तो और कराची में MQM को टफ टाइम देने वाले मुस्तफा कमाल भी कादरी कैंप में जा पहुंचे। जो ये जुल्म और बर्बरियत न भुलाने वाली दास्तान लिखी गई है, हम पहले दिन से मजलूमों के साथ थे। चौधरी बिरादरान भी कादरी के शाना बशाना हो रहे हैं। इतवार को अहम मुलाकात करेंगे। नून लीग की मरकजी और पंजाब हुकूमत सख्त सियासी दबाव का शिकार नजर आ रही हैं। आगे क्या होगा जल्द वाजे हो जाएगा। कहते हैं सियासत में सब कुछ जायज है, लेकिन पाकिस्तानी सियासत के तो रंग ही अलग हैं। यहाँ जो कभी जायज होता है वो बाद में नाजायज हो जाता है। दोस्ती दुश्मनी में बदलते देर नहीं लगती, जबकि रकीब अक्सर रफीक भी बन जाता है। इस अंदाजे सियासत की एक झलक आपको भी दिखाते हैं। offered him long time ago but he declined. I don't know why. Sensible. My offer is still valid. अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा कामयाब सियासतदान कभी ना करे, इसे बेहतर मैं फेल ही रहा हूं। मामूली कप्तान है। जमहूरियत असल में होती क्या है? पाकिस्तानी सियासत की मौजूदा रवेश जमहूरियत की बका की जामिन है या जमहूरियत के लिए खतरा है? सियासी जमातों के रहनुमाओं का कहना था कि सियासी इख्तलाफ को जमहूरियत दुश्मनी से ताबीर ना किया जाए। जो लोग जमहूरियत की बात करते हैं, इंसाफ के बगैर जमहूरियत ऐसे ही है जैसे कि रूह के बगैर एक मुर्दा बदन। जमहूरियत बहुत मुकद्दस है, लेकिन अगर इंसाफ नहीं है तो वो मुकद्दस जिस्म एक बदबूदार गली हुई लाश है। मुझे तश्वीश है कि मैं एक मर्तबा फिर पाकिस्तान की सियासत में शिद्दत देख रहा हूं, तनाव को बढ़ता हुआ देख रहा हूं। मैं पाकिस्तान की सियासत में पोलराइजेशन बढ़ती हुई दिखाई दे रहा हूं। वो जो अदम बर्दाश्त और वो जो रवैयों में मैं तब्दीली देख रहा हूं, वो हमारे मुस्तकबिल के लिए खतरनाक है और जमहूरियत के लिए खतरनाक हो सकती है। पाकिस्तान का मैं वाहिद कॉमन मैन हूँ जो 7 दफा असेंबली में आया हूँ और 7 दफा वजीर बना हूँ। एक आदमी ऐसा नहीं, लोग बाप की सीट पे लड़े हैं, दादे की सीट पे लड़े हैं, जमात की सीट पे लड़े हैं। मैं 5 दफा इंडिपेंडेंट लड़के जीता हूँ। वो लोग जिन्होंने जमहूरियत पे डाके डाले वही लोग बाद में जमहूरियत के चैंपियन बने। हिस्ट्री आप देख लें सारी। इस मुल्क में जो लोग भुट्टो के साथ थे वही लोग मुशर्रफ के साथ थे। मैं माफी चाहता हूँ, मैं खुद उनमें शामिल था, मैं इंडिपेंडेंट लड़के आया था। वो काफ लीग में भी वजीर थे, नून में भी वजीर है। मैं आपको कह के जा रहा हूँ 90 दिन बाद वो वजीर हो सकते हैं दोबारा। जबान के निश्तर चलाने वाले ख्वाजा साद रफीक ने मुखालफीन के सियासी बाउंसर्स को उड़ा कर रख दिया। कहते हैं मुल्क में सिविल बालादस्ती और आइन की हुक्मरानी के अज़्म से पीछे नहीं हटेंगे। आइन की हुक्मरानी का मतलब है कि तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहें। हम अपने नजरिए से जो सिविल बालादस्ती का नजरिया है, जो आइन की हुक्मरानी का नजरिया है, हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह ताला। कि हमारे भी ज़ाहिर सियासी तहदी मौजूद है, अल्लाह करे कि इस मुल्क में आम इंतखाबात वक्त पर हो। आइन की बालादस्ती का आज़म कर लिया, तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहें, नवाज शरीफ दुश्मनी की सियासत कबूल नहीं, ये कहना था मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का। लाहौर हाई कोर्ट बार की APC से खिताब करने आए और मुखालफीन पर फट पड़े। एक दूसरे को गिराने के लिए, जगह लेने के लिए कहाँ तक जाना है? अब खत्म कर लें हमारी हुकूमत, 4-5 महीने रह गए हैं, हो सकता है आप खत्म करने में कामयाब हो जाए, हो सकता है इसके बाद आपकी हुकूमत आ जाए।
आपको कोई हुकूमत करने देगा। साद रफीक बोले कि तमाम सियासत नवाज शरीफ के गिर्द घूम रही है, चाहे उनकी हिमायत में हो या फिर मुखालिफत में। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में साद रफीक ने कहा कि सियासी जमातों को जोड़ तोड़ से कुछ नहीं मिलेगा, सियासत करें लेकिन लाइन क्रॉस न करें, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। चौधरी बरादरान और मुस्तफ़ा कमाल सियासी रोबोट है, मॉडल टाउन केस अदालत पर छोड़ा जाए। हमारे सियासी मुखालिफ ये समझते हैं कि हमें गिराने के लिए अब उन्हें एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून आइन की हुक्मरानी और वोट की हुक्मरानी पर यकीन रखती है। साद रफीक का कहना था कि हम लूले लंगड़े ही सही, लेकिन हमें चलने दिया जाए। सिर्फ साद रफीक ही नहीं, मुस्लिम लीग नून के एक और रहनुमा ज़ईम क़ादरी कहते हैं कि पसे पर्दा हाथ इलेक्शन को मॉनिटर भी करते हैं और वोट भी तब्दील कराते हैं, मुखालफीन रिमोट कंट्रोल्ड हैं। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं कि जमहूरियत नवाज शरीफ का नाम नहीं है। ये बातें आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में हुई हैं। पसे पर्दा हाथ और वो गुफ्तगू के नरम में रखा जाए रवैये को, तो फिर इसका मतलब है कि वो इलेक्शंस को है वो मॉनिटर भी करते हैं और उनमें तब्दीली भी ले आते हैं। गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत गिराने की कसम उठाई थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, खाकसार वहाँ मौजूद था वलायत में, और ये हमने नहीं दर्ज की थी चीज़ें, ये तमाम चीज़ें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने दर्ज की थी। अब अगर आज ये उनकी बातों से सिर्फ इसलिए कि उज़ैर बलोच का बयान कहीं ना सामने आ जाए कि ये सब रिमोट कंट्रोल लोग हैं, कोई चाह रहा है कि सब लोग मिलके एक दफ़ा हम हुकूमत गिरा दें, तो इसे एक बात तो मराजा साहब तय हो गई ना कि मियां नवाज शरीफ और उसकी सियासी जमात इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है और उसको गिराने के लिए इन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। जमहूरियत नवाज शरीफ का नाम नहीं है, जमहूरियत जो है वो किसी फर्ज की बिना पर नहीं आगे पीछे जा सकती। अगर जमहूरियत को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए नवाज शरीफ साहब को पीछे हटना पड़े तो उन पहुंच जाना चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ एजाज चौधरी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में पाकिस्तान अवामी तहरीक से कोई सियासी इत्तेहाद नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ सानिया मॉडल टाउन के मजलूमों के लिए डॉक्टर ताहिरुल कादरी का साथ देगी। रहनुमा पाकिस्तान अवामी तहरीक नूरुल्ला सिद्दीकी कहते हैं कि सियासी इत्तेहाद के हवाले से जरदारी साहब से बात नहीं हुई है। ये बातें उन्होंने जीफ और खरीदा में गुफ्तगू करते हुए कही। बात यह हो रही है कि जब सियासतदान बैठेंगे तो सियासत तो होगी, एक जानिब ताहिरुल कादरी बीच वाली कुर्सी पर होंगे, उनके बिल्कुल बराबर में आसिफ अली जरदारी होंगे, तो ये वाली जो कुर्सी होगी इसमें इमरान खान बैठेंगे बैठना चाहेंगे, क्या फैसला होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हम किसी कुर्सी वगैरह के ऊपर बैठना चाहेंगे। अच्छा, हम बिल्कुल वाजे हैं इस एजेंडे के ऊपर के डॉक्टर ताहिरुल कादरी कोई एहतजाजी प्रोग्राम बनाते हैं तो इंशाल्लाह हम उनका साथ देंगे, हम कमिटेड हैं। इत्तेहाद वाली बात हमारी तरफ से तो नहीं है, ये इस हवाले से तो कोई बात भी नहीं हुई, और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के साथ जो आसिफ अली जरदारी साहब की जो मुलाकात हुई है, पीएससी के लोगों की जो मुलाकात हुई है, तहरीक इंसाफ के वक्त की आज आला सती वफ्द ने आज मुलाकात की है, कल चौधरी बरादरान भी तशरीफ ला रहे हैं, राजा नासर अब्बास साहब भी हैं, शेख, ये सारे लोग एक इंसानी नाते से रबते कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, आज के साथ रहिए।